हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के एपिसोड में ये है चाहते के क्या कुछ खास होने वाला है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष के साथ, जो कि GPS को बताता है कि प्रिशा बिल्कुल सही थी सानिया के बारे में। और गोपाल को यहाँ पर रुद्राक्ष अपनी नकली शादी की बात वही बता देता है और ये भी बता देता है कि सारांश जिंदा है। सब कुछ सुनकर गोपाल काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये सब कुछ प्रिशा को क्यों नहीं बताते। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं अभी प्रिशा को इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक सानिया है वो सारांश तक मुझे तभी पहुंचाएगी जब तक मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं, और मैं सारांश की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता। गोपाल उससे कहते हैं तो एक काम करो, तुम उसे कॉल करो अभी। रुद्राक्ष इन्फॉर्म करता है उसे अहाना के टास्क के बारे में कि उसने क्या करने के लिए कहा है। गोपाल उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, हम एक काम करेंगे, आपके ऊपर अल्कोहल डाल देंगे और आपको ऐसे एक्ट करना होगा कि जैसे कि आपने बहुत पी ली है, और हम अहाना को चीटिंग करेंगे। यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा के पापा के ऊपर अल्कोहल डालने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए अप्पा, मैं ऐसा मजबूरी में कर रहा हूँ। और वो वेटर से पानी लाकर गोपाल को देने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर किसी काम से रुद्राक्ष बार के बाहर आता है और रुद्राक्ष माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए अप्पा। और गोपाल कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार सारांश मिल जाए उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ फिर से पहले की तरह रहेंगे। और वो वहाँ से रुद्राक्ष चला जाता है। रुद्राक्ष सोचता है कि बस सब कुछ जो मैंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही हो जाए। इधर दिखाया जाएगा कि गोपाल पानी पिएगा, उसके बाद वो थोड़ा सा बेहोश फील करने लगेगा अपने आप को और उसका सर घूमने लगेगा। वो सोचेगा ना जाने मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर जैसे तैसे वो ड्राइवर तक पहुँचेगा और टैक्सी में बैठेगा और रास्ते में उसे कार रोकने के लिए कहेगा। तभी वहाँ पर सानिया आएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी और कहेगी है हमारा प्लान काम कर रहा है, जो दवाइयाँ हमने इसके पानी में डाली थी वो काम कर रही हैं। और तभी आपको फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे रुद्राक्ष और गोपाल की बातें सानिया ने सुन ली थी और इसीलिए उसने जो गोपाल का पानी था उसे स्पाइक करके उसमें गोलियां डाल दी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाए। और तब गोपाल अनकॉन्शियस हो जाता है और उससे कहती है सानिया कि अब शुरू होगा असली खेल। तभी वो एक चमेली नाम की लड़की से मिलती है और कहती है कि जाओ जाकर के गोपाल के घर के आगे ऐसा ड्रामा करो, पैसे मांगो कि सारी सोसाइटी में उसकी थूतू हो जाए। सानिया सोचती है कि अब रुद्राक्ष और प्रिशा की एनिवर्सरी का गिफ्ट तैयार हो चुका है, उन्हें देने का मौका आ गया है। रुद्राक्ष यहाँ पर सोचता है कि बस अप्पा सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लें। तभी प्रिशा उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी खुराना मेंशन पहुँचो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और सोचता है कि कहीं सानिया ने, जो सानिया है उसने तो कुछ नहीं कर दिया। वो हड़बड़ाहट में अपने घर पहुँचता है और वहाँ पर देख कर डेकोरेशन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि प्रिशा यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सारी डेकोरेशन ऑलरेडी की हुई होती है। यहाँ पर प्रिशा उससे कहती है कि बस शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं हुई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रुद्राक्ष को सानिया का कॉल आता है, लेकिन प्रिशा उसे पिक नहीं करने देती और कहती है कि आज हमारा स्पेशल डे है रुद्राक्ष, इसीलिए मैं नहीं चाहती तुम उसका फ़ोन उठाओ और वो हमारा दिन ख़राब करे। रुद्र कहता है कि प्रिशा अब तुम किसी और की बीवी हो, मेरी भी शादी हो चुकी है, इसीलिए अब हमारे पास ये दिन सेलिब्रेट करने का कोई रीज़न नहीं है। प्रिशा कहती है कि नहीं, मेरे लिए ये स्पेशल डे है और डेफिनेटली तुम्हारे लिए भी होगा, और इसीलिए मैं इसे तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उधर दिखाया जाएगा दूसरी तरफ की चमेली गोपाल की बिल्डिंग के पास पहुँच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि गोपाल श्रीनिवासन का घर कौन सा है। और वो कहती है कि दरअसल गोपाल श्रीनिवासन मेरे कस्टमर है और उन्होंने मुझे पैसे अब तक नहीं दिए हैं, इसीलिए मेरे पैसे अगर नहीं मिलेंगे मुझे तो मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। और वो चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, बाहर निकल और बाहर निकल। ऐसे करके वो इतना बड़ा तमाशा बनाना शुरू कर देती है।
उधर प्रिशा बार बार फोर्स करती है रुद्राक्ष को केक काटने के लिए उसके साथ। रुद्राक्ष सोचता है कि मैं प्रिशा को थोड़े टाइम की खुशी तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द प्रिशा का दिल टूटने वाला है और वो बुरी तरह से टूट जाएगी। तो इसके लिए प्रिशा को अगर मैं अभी खुशी दे पाऊँ तो मैं दे देता हूँ, और रुद्राक्ष उससे हाँ कर देता है। और प्रिशा खुशी के मारे उसे हक कर लेती है और दोनों मिलकर केक काट कर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो गोपाल है यानी कि मिसेस श्रीनिवासन, वो बाहर आती है और उस लड़की को चीखता देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पर गोपाल टैक्सी में से निकलता है और नशे के हाल में लथपथ नज़र आता है और उसके सर पर चोट लगी होती है और वो चमेली के हाथों में हाथ डाले इधर उधर झूल रहा होता है। तभी चमेली यहाँ पर मिसेस श्रीनिवासन को रिवील करती है कि ये मेरा कस्टमर है और इसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैं इसके घर लेकर आई हूँ, चल तू मुझे पैसे दे। ये बात सुनकर वसुधा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगी और वो प्रिशा से फ़ोन पर बात करने के बारे में सोचेगी और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड के एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।